हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। आज मैं जिस फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें एक लड़की के हिम्मत और साहस ने उसे एक नई पहचान दिला दी। तो इस फिल्म की शुरुआत सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया से होती है। शहर है अलाइस स्प्रिंग, साल है 1975। हम एक लड़की को ट्रेन में देखते हैं, उसका नाम रॉबिन है। रॉबिन ट्रेन से उतरती है, उसका एक डॉग भी उसके साथ है। वो अलाइस स्प्रिंग से ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान से होकर इंडियन ओशन तक का सफर तय करने वाली है, जो सफर लगभग 2700 किलोमीटर लंबा है। रॉबिन एक कैमल फार्म पर जाती है क्योंकि उसे अपने सफर के लिए ऊंट चाहिए थे, पर उस फार्म का शख्स कहता है ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान को पार करने का तुम्हारा प्लान बिल्कुल घटिया है। इस पर रॉबिन कहती है मेरे पिता ने 1935 में कालाहारी क्रॉस किया था, मुझे नहीं लगता कि वो घटिया था। वो शख्स उसे समझाता है, पर रॉबिन कहती है कि मैं काफ़ी मेहनती लड़की हूँ। पर उन ऊँट को अपने साथ ले जाने के लिए रॉबिन के पास पैसे नहीं थे। रॉबिन उसे ऑफर करती है कि वो फार्म पर उसके लिए 8 महीने मुफ्त में काम करेगी, उसके बाद वो उसे 2 ऊँट उसके सफर के लिए दे देगा। वो शख्स उसकी बात मान जाता है। रॉबिन अपना कैंप वही फार्म के बाहर लगा देती है। उस फार्म पर कर्ट उसे सारे ऊँटों से इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ ही उसे ऊँट को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग भी देता है। वहाँ फार्म पर कुछ टूरिस्ट भी आते थे जो ऊँट की सवारी करते थे। कर्ट ये काम रॉबिन को सौंपता है और जाने से पहले कहता है कि अपने शूज उतार देना, तुम अपने पैरों को तैयार करो, उन्हें रेगिस्तान में चलने की आदत डालो। रात रॉबिन देखती है नंगे पैर चलने से उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं। उसे अपने बचपन के विजन आने लगते हैं। वो अपने डॉग्स के साथ काफ़ी खेल रही होती है। हम देखते हैं रॉबिन को वहाँ अब 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और अब वो ऊँट को कंट्रोल करना भी सीख गई है। दूसरे दिन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रॉबिन उसे 2 ऊँट देने के लिए कहती है, पर कर्ट उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। रॉबिन अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से वो साउथर्न क्रॉस आ जाती है। वहाँ उसे एक टूटा हुआ घर दिखता है और वो वहीं रुकने का फैसला करती है। दूसरे दिन वो एक दूसरे फार्म पर जाती है जहाँ ऊँट बेचे और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा शख्स था, उसका नाम सलाय था। सलाय उसे कहता है तुम 2000 माइल का सफर अकेले तय नहीं कर पाओगी। रॉबिन उसे ऊँट देने के लिए कहती है, बदले में वो उसके यहाँ काम करेगी। पर वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें 1 ऊँट ही दे पाऊंगा, तुम्हें मेरे यहाँ 1 महीना काम करना होगा। रॉबिन मान जाती है। महीना बीत जाता है, सलाय उसे 1 ऊँट दे देता है, पर रॉबिन को टोटल 3 ऊँट की जरूरत थी। दूसरे दिन वहाँ उसका पता पूछते रॉबिन की बेस्ट फ्रेंड जेनी वहाँ आ जाती है। उसके साथ और लोग भी थे, उसमें से एक रिक था जो कि एक नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर है। जेनी उसे समझाती है कि तुम अपने हाइक को शॉर्ट भी कर सकती हो, तुम्हें इतनी दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर रॉबिन उनकी बातें सुन के उब जाती है और बाहर आ जाती है। दूसरे दिन वहाँ से जाते वक्त रिक रॉबिन की तस्वीर क्लिक करता है और तस्वीर वहाँ छोड़ देता है। उसके पीछे एक नोट था, अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे वॉशिंगटन DC नेशनल ज्योग्राफिक के हेडक्वार्टर संपर्क कर सकती हो। दूसरे दिन वहाँ सलाय आता है। वो बताता है कि ये ऊँट प्रेग्नेंट है। रॉबिन फैसला करती है कि वो जन्म के बाद ही अपना सफ़र तय करेगी। आगे हम देखते हैं रॉबिन को पता चलता है कि कर्ट ने अपना फार्म बेच दिया है। रॉबिन वहाँ जाती है और नए मालिक से कहती है कि मुझे 1 ऊँट चाहिए, कर्ट से मेरी बात 2 ऊँट की हुई थी। पर वो नया फार्म मालिक उसकी कोई बात नहीं सुनता। वहाँ 1 ऊँट डुकी था जो अनकंट्रोल हो जाता है, पर रॉबिन उसे संभाल लेती है और उससे खुश होकर वो रॉबिन को 2 ऊँट दे देता है। रात रॉबिन रिक को लेटर लिखती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारी नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन मेरे इस ट्रिप को स्पॉन्सर करेगा। हम देखते हैं कुछ दिनों बाद वो फीमेल ऊँट ने एक बच्चे को जन्म दिया है। आगे हम देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक का जवाबी लेटर मिलता है। वो रॉबिन के ट्रिप को स्पॉन्सर करने को तैयार थे, पर एक कंडीशन थी, वो इस ट्रिप पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए रिक को भी साथ भेज रहे थे। इस बात से रॉबिन थोड़ी परेशान हो जाती है। दूसरे दिन उससे वहाँ मिलने रॉबिन के फादर और सिस्टर आते हैं और रिक भी वहीं आ जाता है। रिक उसे ट्रिप के सारे सप्लाईज देता है और सलाय उसे एक गन देता है उसकी सेफ्टी के लिए। वो कहता है अगर कोई जंगली ऊँट तुम्हारी तरफ आते दिखे तो सोचना मत, शूट कर देना। दूसरे दिन रॉबिन चारों ऊँट और अपने डॉग को लेकर ट्रिप पर निकल जाती है। उसे रिक मिलता है, उसकी फ़ोटो क्लिक करता है मैगजीन के लिए। फिर वो कहता है मैं अगले महीने मिलूँगा नेक्स्ट स्टॉप पर, और वो वहाँ से चला जाता है।
रॉबिन को ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट से होते हुए इंडियन ओशन तक का सफर तय करना था। उस बीहड़ रेगिस्तान में उसे लगभग 29 दिन पूरे हो चुके थे। वो माउंट ओल्गा नेशनल पार्क पहुंच जाती है, पर गार्ड उसे भीतर ऊंट ले जाने की इजाज़त नहीं देता, तो वो अपना कैंप वही बाहर लगा लेती है। फिर वहाँ रिक आ जाता है और वो फिर रॉबिन की तस्वीर क्लिक करता है अपनी मैगजीन के लिए और चला जाता है। दूसरे दिन जब रिक वहाँ आता है, उसी वक्त वहाँ रेटिला तूफान आ जाता है, जिसमें रॉबिन अपना सामान इकट्ठा करने लगती है, पर रिक उसकी तस्वीर लेने लगता है। इस बार रॉबिन नाराज़ होकर रोने लगती है कि वो उसकी मदद करने के बजाय उसकी फ़ोटो ले रहा था। रिक को भी समझ आ जाता है कि उसने गलत किया। वो रॉबिन से माफ़ी मांगता है। रॉबिन भी काफ़ी वक्त से अकेली थी। वो रिक को किस करती है, फिर वो वहाँ से आगे के सफ़र पर निकल जाती है। रिक उसे कहता है कि अब वो उसे तस्मानिया विलेज में मिलेगा। कुछ दिनों के सफ़र के बाद रॉबिन उस तस्मानियन विलेज में पहुंच जाती है। वहां ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल लोग रहा करते थे। वहां रिक उसे देख काफ़ी खुश होता है। वहां उन आदिवासी लोगों के साथ रॉबिन काफ़ी इंजॉय करती है और उनकी पुरानी सभ्यता की परंपरा से काफ़ी प्रभावित होती है। और फिर दूसरे दिन वो वहां से आगे के सफ़र पर निकल जाती है। आगे रुककर वो खाना खाने लगती है, तभी उसे तीन जंगली ऊँट उसकी तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि सलाय ने उसे बताया था, सोचना मत, तुरंत उन्हें शूट कर देना। रॉबिन एक एक करके उन्हें शूट कर देती है, फिर वो वहां से आगे निकल जाती है। हम देखते हैं दिन बीत रहे थे। बीहड़ में तेज धूप से रॉबिन का चेहरा पूरी तरह से झुलस गया था। उसे एक जगह बहता हुआ पानी दिखाई देता है। रॉबिन फ्रेश होती है, तभी वहाँ कुछ तस्मानियन आ जाते हैं। उनके पूछने पर रॉबिन बताती है कि मैं वेस्ट ओशियन की तरफ जा रही हूँ, जिसे उरू पुलका लेक भी कहा जाता है। वो शख्स कहता है, पर ये सफ़र काफ़ी लंबा है। वो शख्स पूछता है, क्या तुम पिपलार जरा जा रही हो? तुम जिस रास्ते से जा रही हो वो काफ़ी लंबा है। वो शख्स उसमें से एक बूढ़े आदमी को भेजता है जो रॉबिन को रास्ता दिखाएगा। उस बूढ़े शख्स का नाम एडी था। आज सफ़र पर 84 दिन पूरे हो चुके थे। सफ़र पर एडी उसे तस्मानिया भाषा में बात कर रहा था, क्योंकि उसे थोड़ी इंग्लिश आती थी और रॉबिन को भी थोड़ी उसकी भाषा आती थी। रॉबिन पिपलार जरा पहुँच जाती है। वहाँ उसे ग्लेंडल मिलता है, वो भी एक ट्रैवलर था। ग्लेंडल बताता है कि एडी एक ऐसा शख्स है जिसकी कम्युनिटी में लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। रॉबिन एडी के पास जाती है और उसे अपने साथ वॉर बर्टन तक चलने के लिए कहती है, पर एडी कहता है उसके जूते फटे हुए हैं और सफ़र काफ़ी लंबा है, इसीलिए वो उसके साथ नहीं चल सकता। रॉबिन उसे ग्लेंडल के जूते दिलवाती है, फिर वो आगे के सफ़र पर निकल जाते हैं। आगे एडी उसे कुछ पत्ते तोड़ के देता है, उसका नाम मिंकुलपा था। रॉबिन उन पत्तों को खाती है, फिर एडी उसे एक तस्मानियन एक्ट करके दिखाता है। वो ये देख के काफ़ी खुश होती है। तीन दिनों के सफ़र के बाद रिक वहाँ आ जाता है और वो अपने साथ एक गन लाया था। वो गन रॉबिन ने एडी के लिए गिफ्ट के तौर पर मंगवाया था और वहाँ से वो वॉर बटन पहुँच जाते हैं। वहाँ वो एडी को धन्यवाद देकर अपने आगे के सफ़र पर निकल जाती है। रॉबिन को अभी भी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था। आज उस डेजर्ट में रॉबिन को 124 दिन पूरे हो चुके थे। रॉबिन के पास अब पानी भी ख़त्म हो गया था और तपती धूप से उसके सारे शरीर पर छाले पड़ गए थे। दूसरे दिन रॉबिन एक घर के सामने पहुंच जाती है। वहां एक बूढ़ा कपल रहता था। वो रॉबिन को घर के भीतर अपने साथ खाना खिलाते हैं और वो महिला रॉबिन को नहलाती है। रात रॉबिन वहीं रुक जाती है। सुबह जाने से पहले वो कपल रॉबिन को एक मैप देता है और बताता है, अगर वो इस मैप को फॉलो करेगी तो विलूना जल्दी पहुंच जाएगी। रात वो बीहड़ में ही रुक जाती है। वो देखती है कि उसका डॉग डिग वहां नहीं है। वो टॉर्च लेकर देखती है कि उसने वहां पड़े एक अनजान पॉइजन के डब्बे को पी लिया है और वो तड़पने लगता है। रॉबिन उसे तड़पता नहीं देख पाती तो उसे शूट कर देती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे डिग से ज़्यादा लगाव था। बचपन में भी रॉबिन ने अपना एक डॉग खो दिया था। ऐसा उसके साथ ये दूसरी बार हो रहा था। आगे हम देखते हैं, आज उसे उस रेगिस्तान में पूरे 157 दिन पूरे हो चुके हैं और रॉबिन शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गई है। इतने दिनों के लंबे सफ़र में उससे कोई मिला नहीं और उसने किसी से बात भी नहीं की है। इस वजह से वो अपना मानसिक संतुलन भी खोने लगी है। रॉबिन विलूना पहुँच जाती है। वो देखती है वहाँ काफ़ी मैगजीन रिपोर्टर्स की गाड़ी आ जाती है। सब उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर रॉबिन एक झाड़ी के पीछे छिप जाती है, क्योंकि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहाँ रिक आ जाता है। उसे देख रॉबिन इमोशनल हो जाती है। सारे पत्रकार उसकी तरफ भागने लगते हैं।
रिक उन्हें रोकने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं सिर्फ रिक और रॉबिन अकेले बैठे हैं। रिक उसे डिक के बारे में पूछता है। वो बताती है जहर पीने से उसकी मौत हो गई। रॉबिन कहती है उसे अब इस ट्रिप से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है उसे ये ट्रिप शुरू ही नहीं करना चाहिए था। वो बताती है कि मैं काफ़ी अकेला महसूस कर रही हूँ। रिक कहता है इस दुनिया में सभी अकेले हैं। इस पर वो रोने लगती है। रिक उसे गले लगाता है। रॉबिन और फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि वो अपने डॉग डिक को बहुत मिस कर रही थी। रॉबिन के सफ़र का अंतिम पड़ाव अभी बाकी था। उसने ठान लिया था कि अब वो अपना सफ़र यहीं ख़त्म कर देगी, पर वो रिक से कहती है कि मैं इस सफ़र को पूरा करना चाहती हूँ, पर वो दोबारा से उन रिपोर्टर्स को नहीं देखना चाहती। रिक उसे हिम्मत देता है उसके आगे के सफ़र के लिए। रॉबिन अपने सफ़र पर निकल जाती है। आज उसे 195 दिन पूरे हो चुके थे और हम देखते हैं रॉबिन इंडियन ओशन तक पहुँच जाती है, जो कि इस सफ़र का अंतिम पड़ाव था। उस नज़ारे को देख रॉबिन काफ़ी खुश होती है और रिक भी उसका वही इंतज़ार कर रहा था। उसे देख वो काफ़ी खुश होता है और फिर रॉबिन वहाँ तैरने लगती है और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी रॉबिन डेविडसन के जीवन पर आधारित एक सच्ची कहानी है। साल 1977 में रॉबिन ने 1700 माइल का सफ़र तय किया था अलाइस स्प्रिंग से लेकर इंडियन ओशन तक। वहाँ से लौटने के बाद रॉबिन ने नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के लिए एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें उसने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया था। इस सफ़र में रॉबिन के फोटोग्राफर थे रिक स्मोलन। सफ़र पर जाने से पहले रॉबिन ने लगभग 2 सालों तक ऊँट को ट्रेनिंग दी थी और रेगिस्तान में कैसे सरवाइव करना है वो भी सीखा था। दोस्तों, इस फिल्म में कुछ बातें नहीं दिखाई गई हैं, जैसे कि रॉबिन अबोरिजिनल लैंड राइट्स मूवमेंट का भी हिस्सा रह चुकी है, मतलब जो आदिवासी सभ्यता तस्मानिया में रहा करती थी उनकी ज़मीनों पर जो कब्जा हुआ था उसी हक के लिए वो लड़ रही थी, जो कि काफ़ी गर्व की बात है। दोस्तों, साहस और जज्बे से भरी हुई ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।